सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ चंदन कुमार, एक बार फिर से अपने एक नई ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और क्यों नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो मौसम है, लगभग सुबह के 11:30 बज रहा है और ठंडी का एहसास बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अब बसंत ऋतु का मौसम जो है कि अब आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा सिवान जो है कि हरा भरा हुआ है। ये देख सकते हैं सरसों कितना बेहतरीन और कितनी खूबसूरत इसका फूल है। और आप देख ही सकते हैं कि इधर पूरा सिवान जो है मेरे आसपास का पूरा हरा भरा इस समय है, इसमें घूमने लायक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम भी बदलाव ले रहा है और बसंत ऋतु आ गई है। तो अभी सुबह शाम में ठंडी लग रही है, अब ठंडी का उतना जो प्रभाव है दिन में नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी धूप होने लगी है, दिन में धूप भी लग रहा है। तो अभी कितना मस्त मौसम है, कितना मस्त सुहाना सफ़र है। अभी कुछ लोगों से मिलाऊंगा मैं, क्योंकि अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं, इधर ही आए हुए हैं। हम सोचे कि जब इधर घूम रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लॉग बना दें। सो गाइस, आगे कुछ दिखाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देख सकते हैं कि अभी पीछे जो देख रहे हैं आप, ये बैर का पेड़ है, और इधर हमारे क्षेत्र में एक ही बैर का पेड़ बचा हुआ है, जो बहुत अच्छी खासी बैर है और बहुत स्वादिष्ट है और कितना मस्त है। लेकिन इसमें अभी पका नहीं है, कुछ समय लगेगा इसे, लगभग 15 दिन में। अभी हम गए थे यहाँ पर और कांट गड़ गया मेरे हाथ में, और लेकिन अभी खाने योग्य नहीं है, अभी थोड़ा कुछ समय लगेगा। अभी मैं यहाँ पर जब हो जाएगा तो आऊँगा। तो अभी देख सकते हैं पूरा सिवान इधर हरा भरा है, कितना एकदम सुहाना मस्त मौसम है, धूप भी एकदम अच्छी खासी है। सब देख सकते हैं कि वो कुछ बंदे दिखाई दे रहे होंगे, और वहाँ हम चल रहे हैं, देखते हैं वो सब कर क्या रहे हैं। सो आज बने रहिए मेरे वीडियो पे। अभी आपने देखा कितना मस्त इधर का मौसम है, पूरा एकदम जो फसल है हरी भरी और हरी भरी है एकदम, देख सकते हैं। आ गए, देखिए उधर कुछ कर रहे हो बंदे, अब आ गए ये लकड़हारे आए हुए हैं, यहाँ पर लकड़ी काट रहे हैं। मारो मारो मारो, मार मार काटिया मार। देखिएगा आज यहाँ पर अखाड़ा लड़ रहे हैं सब। हेलो बोलो बोलो बोलो, क्या कर रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो भाई? तो भाई आई है रोजी रोटी वाला काम। रोजी रोटी वाला काम, ये लकड़ी खा रही थी बेचर, तो 2 रुपया ताजी, 2 रुपया महंगा हो गया है भाई। अच्छा कोड़ दें, तब सुनिए तो। का अंडरवियर बनियान का कर रहे हो? कौन अंडरवियर? आइए भाई, यहाँ कुछ मजदूर लगा हुआ है, बात करते हैं। एक मजदूर से बात करते हैं, क्या कर रहे हो? हाय गाइस, हम लोग एपी मिर्जापुर से हैं, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा लेकर आए हैं। मिर्जापुर में गैस सिलेंडर नहीं है क्या? गैस सिलेंडर है, लेकिन फ्री सेवा नहीं मिल रहा है ना यहाँ पर। तब मिर्जापुर से जितना तो लकड़ी लेके नहीं जाओगे उतना तो भाड़ा लगा दिए। अरे भाई, हम लोग पाइप लगाने वाले हैं भाई, यहाँ टंकी बनेगी पानी के लिए सोनभद्र में, इसीलिए यहाँ जगह बनाया जा रहा है। मैं ठेकेदार हूँ, ऐसा नंबर है, इसलिए नहीं आ पा रही है। देख सकते यहाँ पर ये सब टेलर बतिया रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि ये सब इधर ही हमारे आस पास पड़ोस के लोग हैं, इन लोगों को पहचान रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर लकड़ी निकाल रहे हैं, लकड़ा आ रहे है गाड़। यही सब काम है इधर का, देखो मस्त मौसम। अभी आप देख रहे थे वो सब कुछ काम कर रहे थे, लकड़ी वकड़ी निकाल रहे थे, वो सब गांव के ही लोग हैं। तो अभी अब हम चल रहे हैं घर, तो काफी लेट भी हो गया है, बहुत समय से आए हुए हैं, हम लोग बैठे थे उधर ही, तो फिर हम अब निकल चल रहे हैं घर।
तो गाइस अभी सामने देख सकते हैं, इधर रोड है, इधर रोड है, बस थोड़ी दूरी पे है। सो गाइस तो फ्रेंड्स मेरा क्षेत्र कैसा लगा और अभी का जो मौसम है वो कैसा है, हमारा गांव घर जो है इधर का जो क्षेत्र है, इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।